खुर्सीपार भिलाई निवासी यादव परिवार जिसने भिलाई क्षेत्र के तालाबों की दशा बदल दी, उस परिवार ने अब भिलाई शहर को स्वच्छ करने का बीड़ा उठा लिया है, जिसकी शुरुआत गदा चौक से घड़ी चौक तक परिवार के पिता पुत्री ने सफाई कर प्रारंभ। गदा चौक सुपेला से लेकर घड़ी चौक सुपेला तक के सफाई का लक्ष्य लिए यह पिता पुत्री की जोड़ी शनिवार को शाम को इस मार्ग की सफाई करते नजर आए। या उसी यादव परिवार से हैं जिन्होंने पूर्व में भिलाई निगम क्षेत्र के तालाबों के जल को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से तालाबों की सफाई का बीड़ा उठाया था। शत्रुघ्न यादव, संध्या यादव के अलावा शैल यादव और उनकी माताजी सरोज यादव भी इनके इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान कर रही थी, परंतु ऐसे पुनीत कार्य करने के बाद भी शासन प्रशासन का सहयोग इन्हें नहीं मिला और इन्हें इस कार्य को ना करने की सीख दी गई। फिलहाल तालाबों की सफाई पर एक अल्पविराम लगा हुआ है और यादव परिवार के इस पिता पुत्री की जोड़ी ने अब भिलाई शहर की सफाई का बीड़ा उठा लिया है। इस अभियान को चलाते वक्त आम लोगों ने इनसे कई प्रकार के सवाल पूछे, यह कार्य आप लोग क्यों कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। उन सभी लोगों को यादव परिवार ने साफ शब्दों में अपने उद्देश्य को बताते हुए आम जनमानस को सफाई के प्रति जागरूक करने की बातें कहीं और मीडिया से रूबरू होकर भी तालाबों की स्थिति और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं संध्या यादव और हम पिछले 15 सालों से ऐसे सफाई करते चले आ रहे हैं। ज़्यादा एक्टिव हम तालाबों के लिए थे क्योंकि तालाब को सहजना कितना इम्पोर्टेंट है वो हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि तालाब से हम हटे नहीं हैं लेकिन रुके भी नहीं हैं। बस कुछ दिन ऐसा लग रहा है कि उसमें हम ब्रेक लगा के रखे हुए हैं क्योंकि हमें सिस्टम जो है सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आई। सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए था कि हम तालाबों को सहेजने के लिए चले थे क्योंकि तालाब जो है इतना गंदा है। मैं अभी हम भिलाई का ही चलो बात करते हैं क्योंकि मैं सारे भिलाई के तालाब देख चुकी हूँ, बद से बदतर हुआ चला जा रहा है, जबकि तालाब को सहेजने का कार्यक्रम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन सपोर्ट के नाम पे हम क्या ही कहें आपसे। उसे सोच के हमें इतना दुख होता है, अभी तालाब का हालत क्या ही बोले हम। तो तालाब के लिए आपको सपोर्ट नहीं मिला, अभी आपने कुछ दिनों के लिए रोक रखा है, ये क्या, ये सड़कों की सफाई क्या है ये? अगर सिस्टम हमें तालाब के लिए रोक के रखी है तो हम रुकने वाले में से नहीं है। कुछ दिन पहले हम प्लेग्राउंड की सफाई कर रहे थे, जैसे कि तालाब को सिर्फ और सिर्फ सौंदर्यकरण का काम किया जाता है लेकिन उसका रख रखाव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेम एज प्लेग्राउंड का है, प्लेग्राउंड बना तो दिया जाता है लेकिन उसका मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट भी भूल जाती है, गवर्नमेंट भी भूल जाती है। तो उसके लिए हम चले थे और आज हमने गदा चौक से घड़ी चौक सुपेला को एटलीस्ट हमसे थोड़ा सा भिलाई को सुंदर बनाने के लिए एक अभियान है जो पापा और मैं आज कर रहे हैं कि आज हमें भले 12 क्यों ना बच जाए लेकिन ये रोड हम क्लियर करके ही जाएंगे। यादव परिवार को तालाबों की साफ सफाई और देखरेख के लिए कई निजी संगठनों ने पुरस्कृत भी किया। अब तक शहर सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त न होना इस परिवार को काफी असमंजस में डाल रहा है। बावजूद इसके यह यादव परिवार अपने साफ सफाई के अभियान को किसी न किसी रूप में अनवरत जारी रखे हुए है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।